आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज कवर करेंगे हम सभी 9 से 10 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। और आज का पहला क्वेश्चन इस खबर से स्टार्ट करेंगे। आप सभी याद रखिएगा, पाउडर मिल नेचर रिजर्व जो आपका अमेरिका में पड़ता है, इस नेचर रिजर्व में ना एक पंछी पाया गया है और यह बताया जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा कि इस पंछी में आधा नर और आधा मादा इसके अंदर है। और इस पंछी का नाम क्या है आप सभी का? तो इस पंछी का नाम है आपका ग्रोसबेक। इस पंछी का नाम याद रखिएगा। और एक बात, जिस भी पंछी में आधा नर और आधा मादा यानी आधा पुरुष और आधा महिला का अगर पार्ट हो तो उस पंछी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो भी याद रखिएगा, उसको बोलते हैं हम सभी गैनेंड्रोमॉर्फी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इसका चर्चा पूरे विश्व भर में हो रहा है। और ये किस नेचर रिजर्व में पाया गया है? तो अमेरिका का पाउडर मिल नेचर रिजर्व में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पंछी का नाम याद रखिएगा, कहाँ पर पाया गया है ये याद रखना है, इसको बोलते क्या है ये तीन चीज याद रखिएगा। इसको पीडीएफ में भी मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, FTII सोसाइटी का अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन जो है और FTII का गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब FTII का मतलब क्या होता है? द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। और किसको नियुक्त किया गया है आप सभी को? तो शेखर कपूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नए केंद्रीय फार्मा सचिव के रूप में पदभार संभाला है? यानी कि यूनियन फार्मा सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और इनका नाम क्या है आपका? एस अपर्णा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला प्रश्न हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने केरल के पहले और देश का बीसवां मेगा फूड जो है पार्क उसका उद्घाटन किया गया है? यहां पर दो तीन चीज आप सभी समझ सकते हो। पहला, केरल राज्य में ना पहला मेगा फूड पार्क जो है उसका उद्घाटन किया गया और देश का बीसवां। और ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। और एक बात, एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आप सभी से पूछ दे कि इंडिया का, भारत का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो आप सभी क्या बोलिएगा? पहला मेगा फूड पार्क का नाम क्या है आपका? श्रीनी मेगा फूड पार्क, और ये आपका चित्तौर में जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह भारत का पहला मेगा फूड पार्क था जो आपका आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वायु मुख्यालय में क्रमिक में वायु अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है नई दिल्ली में? एयर मार्शल है, क्या नाम है इनका? आरजे डकवर्थ, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका अपूर्वा चंद्रा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। और एक क्वेश्चन आप सभी से अगर मैं पूछूं, श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है वो किस मंत्री के पास है? तो संतोष गंगवार, ये याद रखिएगा, केंद्र में मंत्री है, ये जो मंत्रालय है ना ये इन्हीं के पास है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत यानी अगला एम्बेसडर बनाया गया है भारत के तरफ से कंबोडिया में, और इनका नाम क्या है आपका? तो इनका नाम है आपका, और इनका नाम क्या है आपका? देवानी उत्तम खोवरागादे, ये याद रखिएगा। और कंबोडिया का कैपिटल क्या है आपका? तो याद रखिएगा रियल मुद्रा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? हन सेन, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, अलास्का एरियो स्पेस कॉर्पोरेशन ने
यानी अलास्का एरियो एक्सप्रेस कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप के साथ प्रशांत स्पेस कॉम्प्लेक्स अलास्का से अपने भारत निर्मित अग्निबाण रॉकेट के परीक्षण के लिए समझौता किया है? तो किस के साथ, भारत का कौन सा स्टार्टअप के साथ? तो अग्निकुल कॉस्मोस, ये याद रखिएगा, इस भारतीय स्टार्टअप के साथ अलास्का एरियो एक्सप्रेस कॉरपोरेशन ने भारतीय निर्मित जो रॉकेट है ना, जिसका नाम क्या है आपका, जिसका नाम है आपका अग्निबाण रॉकेट, इसका परीक्षण के लिए समझौता साइन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक बल, अच्छा इसके डायरेक्टर कौन है? तो कृष्णा स्वामी नटराजन, ये पहले याद रखिएगा। कि तेज गश्ती पोत का नाम बताइए जिसे गार्डन रिच शिल्प बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कलकत्ता में कमीशन किया गया है, क्या नाम है उसका? तो यहां पर आप सभी फोटो में क्लियर देख पा रहे होंगे, कनकलता बरुआ। इस जहाज को अच्छे से देखो, यहां पर दिख पा रहा है, इस जहाज को कमीशन किया गया है आपका कलकत्ता के गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एम गोपाल कृष्णा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? तो इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर आपका सी, और आप सभी को पता होगा इंडियन बैंक का जो है वो मर्जर हो चुका है अलाहाबाद बैंक से। ठीक है, और इंडियन बैंक का डायरेक्टर कौन है आपका? मिसेस पद्मजा चुनरू, और हेडक्वार्टर मुख्यालय चेन्नई में। टैगलाइन क्या है इंडियन बैंक का आपका? योर ओन बैंक। और गठन कब हुआ था इंडियन बैंक का? 1907 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में काम करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ डील साइन की है? तो आपका टाटा स्टील के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी। और CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का हेड कौन है? शेखर सिंह मांडे, ये याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, में से किस राज्य ने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की स्वच्छ सुंदर समादायक शौचालय श्रेणी में ना प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कौन सा राज्य? गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, इस कैटेगरी में स्वच्छ सुंदर समादायक शौचालय श्रेणी में गुजरात जो है वो टॉप पर रहा है। पहला बात ये क्लियर। दूसरा, यह जो अवार्ड दिया गया है, राज्य को दिया गया है, ब्लॉक को दिया गया है, गांव को दिया गया है, अगर पूछ दे ब्लॉक में किसको मिला है आपका, तो याद रखिएगा कच्छ रोड जो आपका उज्जैन में पड़ता है, इस ब्लॉक को दिया गया। और किस गांव को दिया गया आपका? तो चिन्नौर गांव को दिया गया है जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। अब बात करते हैं गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और जस्टिस विक्रमनाथ, लोकसभा सीट 26 है और राज्यसभा सीट आपका 11 है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अर्जुन मुंडा जो अल्पसंख्यक मंत्रालय इन्हीं के पास है, अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किए गए भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार का नाम बताइए। ऑनलाइन मार्केट है ये, खोला गया है, नाम क्या उसका? ट्राइब इंडिया ई मार्केट प्लेस, ऑप्शन नंबर हमारा सी। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आप सभी का बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादकों का बाजार, और ये आपका ऑनलाइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, NCRB, आप सभी को पता है ना, जितने भी अपराध होते हैं, नेशनल क्राइम, ठीक है, जितने भी अपराध होते हैं सब डाटा NCRB के द्वारा दिया जाता है। अब NCRB के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में
किस शहर की बात किया है, राज्य की बात नहीं किया है, किस शहर में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए? तो आपका नई दिल्ली में नंबर वन पर कौन है, आपका नई दिल्ली अपराध के मामले में, वो भी शहरों में। एक बात और, अगर मैं बात करूं स्टेट में, राज्य में कौन टॉप है, तो आपका उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है। अगर एग्जाम में पूछ दे राज्य, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा उत्तर प्रदेश। अगर एग्जाम में बोल दे शहर, तो आप क्या बोलिएगा, नई दिल्ली। और एक बात, ऐसा कौन सा शहर है जहां पर महिलाओं के खिलाफ थोड़ एक भी जो है वो बस सुलूकी बोल सकते हो, अपराध के मामले बिल्कुल नहीं हुए हैं, तो आपका कलकत्ता, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। सबसे सेफ जगह कौन है महिलाओं के लिए, तो कलकत्ता। और बेंगलोर में जो आपका कोम्बेटूर है ना, वो भी इस लिस्ट में है, दोनों याद रखना है। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कब कब का, तो आपका 9 और 10 अक्टूबर का। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और आज जो भी गलती सही, गलती तो पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा दांत पूरा फूल गया है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ 1 से 2 दिन लगेगा और पूरे फॉर्म में फिर क्लास दूंगा, ठीक है ना। सो अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और एक बात, अपने साथ साथ ना अपने देश का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद।